हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृतिका वर्मा। सो फ्रेंड्स, जैसे आपका 30th वीक स्टार्ट हो गया है, वैसे वैसे आपका एंजाइटी का लेवल इंक्रीज होता जाता है। अब आपको काफ़ी सारी चीज़ों की टेंशन होने लगती है कि अरे, अब हमारा डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है, कैसे डिलीवरी होगी, कहीं से सिज़ेरियन तो नहीं होगा, क्या डिलीवरी के टाइम पे पेन होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 30 वीक्स में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, आपके बेबी की ग्रोथ कैसे होती है, इसमें आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है और जो डैडीज़ हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी। देखिए, इस वीक में जो प्रेगनेंसी के पहले वाले सिम्टम्स हैं वो फिर से अपियर होने लगते हैं, जैसे कि आपको हार्ट बर्न हो सकता है, आपके हाथों पैरों में सूजन आ सकती है, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है, आपको नींद नहीं आती है रात को। कई फीमेल्स को तो नींद इसलिए भी नहीं आती है कि उनको सोने का सही पोजीशन नहीं पता होता है। उनको लगता है कि अरे, हमें तो एक साइड करवट लेके ही सोना है, नहीं तो हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो पोजीशन कंफर्टेबल हो आप उस पोजीशन में सो सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपका यूट्रस का प्रेशर एकदम सीधे स्पाइन पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो एओर्टा होती है, एक ब्लड वेसल, वो कंप्रेस हो जाती है और बेबी की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो बस आपको एकदम फ्लैट नहीं सोना है, आप थोड़ा सा टिल्ट हो जाओ या फिर पिलोज वगैरह यूज कर लो, जिससे कि डायरेक्ट प्रेशर ना पड़े एओर्टा पे। बाकी आपके लिए जो भी पोजीशन कंफर्टेबल हो आप उस पोजीशन में सेफली सो सकते हो, जिससे कि आपको ठीक से नींद आ जाए। साथ ही साथ में अब हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे हैं, आपका वेट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स भी होने लगते हैं, फटीग होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होने लगते हैं, स्किन के चेंजेस आने लगते हैं। तो ये सारे कुछ चेंजेस हैं जो इस वीक में आने लगते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको चेयरफुल रहना है। अब आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, देखिए, बेबी की हाइट लगभग 14 इंचेस हो जाती है, बेबी का वेट लगभग 1.4 से 1.6 केजीज के बीच में हो जाएगा, बेबीज़ की आईज जो होती है वो और ज़्यादा मेच्योर होने लगती है, बेबीज़ को लाइट का परसेप्शन होने लगता है। हाँ, जो बेबी का विजन है वो 1 ईयर के बाद ही फुल डेवलप होता है, 1 ईयर से पहले बेबी का विजन फुल डेवलप नहीं होता है, लेकिन हाँ, बेबीज़ की आईज मेच्योर होने लगती है, बेबी का ब्रेन का बहुत फास्ट डेवलपमेंट होने लगता है, ब्रेन में ग्रूव्स पड़ने लगते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन टिश्यू उसमें एक्यूमुलेट हो सके, बेबी के जो लैनिगो हेयर्स होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं, बेबी का जो बोन मैरो है वो अब रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने लगता है। तो ये सारे कुछ बेबी के चेंजेस थे जो कि बेबी में होने लगते हैं, बेबी के सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे करके मेच्योर होने लगते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है। देखिए, अब आपको जैसे कि काफ़ी ज़्यादा थकान लग रही है तो आपको अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना है, अगर पैर में सूजन वगैरह आ रही है तो आप पिलोस का यूज़ करिए, हार्ट बर्न हो रहा है तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, अपने पानी का ध्यान रखिए, पानी का इंटेक अच्छा रखिए। साथ ही साथ में आप अपने डॉक्टर से, जैसे कि आपको डिलीवरी को लेकर एंग्जाइटी है तो डिलीवरी के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि डॉक्टर, हमारी मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी, सिजेरियन का अगर कोई इंडिकेशन नहीं है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए बात कर सकते हो कि क्या हमारी पेनलेस डिलीवरी हो सकती है, क्या हमें ऐसा कुछ मोड सजेस्ट कर सकते हो आप कि हमें डिलीवरी के टाइम पे पेन ना हो, यानी कि पेनलेस डिलीवरी हो जाए। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो अगर आपने एक्सरसाइजेज अभी तक स्टार्ट नहीं करी हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जो एक्सरसाइजेज की जाती हैं वो स्टार्ट कर दो, कीगल्स एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दो। ये सब एक्सरसाइजेज आपको हेल्प करेंगी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाए। आपको प्रेगनेंसी में कौन सी एक्सरसाइजेज करनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उसके लिए हमारी दूसरी वीडियो है, आप वो देख सकते हो। तो ये सारी टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करनी है, जिससे कि आपको 30th वीक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी प्रेगनेंसी सेफली कंटिन्यू हो जाए। अब जो वुड बी डैडीज हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी। देखिए, मॉमीज़ का एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वेट गेन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो आपका मेन काम क्या रहेगा, मॉमीज़ को खुश रखना। आप जितना ज़्यादा हो सकता है उनके साथ टाइम स्पेंड करो जिससे कि मॉमीज़ खुश रहें। अगर मॉमीज़ खुश रहेगी तो आपका बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए आपको उनके स्ट्रेस लेवल को कम रखना है, उनकी एंग्जाइटी को कम करना है, उनको बीच बीच में काउंसिल करते रहना है, काउंसलर की नीड पड़े तो काउंसलर की नीड ले लो, चाइल्ड बर्थ क्लासेस ले लो, उससे भी काफ़ी काउंसलिंग मिलती है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है आपको, डिलीवरी की बातें पता चलती है, प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। तो आपको वो सब चीज़ें फॉलो करनी है जिससे कि मॉमीज़ खुश रहें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि 30th वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होने वाले हैं,
आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, बेबी कैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और जो डैडीज हैं वो क्या टिप्स फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बेशक पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।